एक सवाल जो हर यूजर को सोचना चाहिए इज वाई शुड दे यूज वर्ड प्रेस एंड वर्ड प्रेस आखिर उनके लिए क्यों है लेकिन उससे पहले एक रिकैप करते हैं पुराने टॉपिक्स का टू गेट अ सेंस ऑफ वाई पीपल चूज अ सी एम एस लोग आखिर क्यों एक कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं उसमें नंबर वन फैक्टर इज द वेबसाइट कॉस्ट मेकिंग अ वेबसाइट इज अ कॉस्टली बिजनेस और अगर आप चाहते हैं कि आप कम से कम कॉस्ट में या ऑलमोस्ट फ्री अपनी वेबसाइट बनाएं तो योर चॉइस शुड बी वर्ड प्रेस द नंबर टू फैक्टर इज इज ऑफ यूज लोग ये भी देखते हैं कि जो सी एम एस वो चूज कर रहे हैं वो कितना आसान है यूज करने में नंबर थ्री फैक्टर इज ऑनलाइन सपोर्ट वर्ल्ड प्रेस हैज अमेजिंग ऑनलाइन सपोर्ट क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो वर्ल्ड प्रेस को सपोर्ट करती है और वर्डप्रेस के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपके लिए अवेलेबल है फैक्टर इज एबिलिटी टू कस्टमाइज कितने आसानी से आप अपने वर्डप्रेस सीएमएस की थीम्स को चेंज कर सकते हैं एंड आल्सो परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मींस स्पीड जितना फास्ट आपका सीएमएस होगा उतना ज्यादा आप अपने विजिटर्स को अपनी वेबसाइट पर अट्रैक्ट कर सकेंगे एंड यूल टू मेक मोर मनी एन अदर फैक्टर इज सिक्योरिटी और एस नी अदर फैक्टर्स विच मेक श्योर कि आप वर्ड प्रेस को यूज करें एज कंपेयर टू एनी अदर सी एम एस आउट देयर और यह भी जिस तरह हमने आपको बताया कि वर्ड प्रेस इज सो पॉपुलर बिकॉज लॉट ऑफ क्लाइंट आउट देयर एक्चुअली डिमांड यू टू यूज वर्ड प्रेस एज कंपेयर टू एनी अदर सी एम एस सो आपको वर्ड प्रेस में अपना Uh, एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वर्ड की जो मार्केट है uh, वो बहुत कंपेटिटिव है एंड यू विल ऑल्सो हैव टू ऑफर मोर फॉर लेस बट वी विल टॉक मोर अबाउट दैट लेटर बिकॉज राइट नाउ द क्वेश्चन एट हैंड इज के हु इज वर्ड प्रेस फॉर वर्ड प्रेस किस लिए और वर्ड प्रेस क्यों है इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जो मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा टू गिव यू अ सेंस ऑफ WordPress is really for. Number one is an entrepreneur. क्या होता है एक अंटरप्राइनर? An entrepreneur is someone who wants to take risks. And WordPress is for any entrepreneur who wants to take risks in the online world and wants to make a living for themselves. अगर आप WordPress को यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। देन वर्ड प्रेस इज द राइट चॉइस फॉर यू ऑनटरप्रनोर किस तरह के होते हैं और वो वर्ड प्रेस को किस तरह से यूज करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा फूड बिजनेस फूड के अगर आप बिजनेस में हैं या अगर आप किसी तरह का रेस्टोरेंट चलाते हैं या यू ऑफर फूड एज अ सर्विस एंड यूर अ फूड ऑन्टरप्रनोर देन यू कैन यूज वर्ड प्रेस टू पावर योर वेबसाइट लॉर्ड ऑफ ऑन्ट्रप्रोर्स एंड फूड बिजनेस मैन उंड द वर्ल्ड यूज वर्ड प्रेस टू पावर देयर वेबसाइट एनदर एग्जाम्पल इज एन ई कॉमर्स स्टोर अगर आप किसी भी तरह का ट्रेड रन करते हैं अपनी वेबसाइट पर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑफर करते हैं आप किसी भी तरह की ड्रॉप शिपिंग करते हैं आप किसी भी तरह की सेल करते हैं कोई भी चीज जो आप अपनी वेबसाइट पर बेचते हैं इफ यू आर एन ई कॉमर्स ऑनटरप्रोर देन वर्ड प्रेस इज द राइट चॉइस फॉर यू एनदर ऑप्शन इज अ स्टार्टअप आजकल आपको ये बहुत लफ्ज सुनने को मिलेगा हर किसी ने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया हुआ है स्टार्टअप क्या होता है स्टार्टअप इज अ न्यू कंपनी स्टार्टअप इज अ न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि उस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च करें देन वी रिकमेंड दैट यू स्टार्ट योर स्टार्टअप विद वर्ड प्रेस सेकेंड कैटेगरी को एक्सप्लोर करते हैं वर्ड प्रेस इज फॉर फ्री लांसर्स फ्री लांसर्स लव वर्ड प्रेस एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ अ कंपनी जो फ्री लांसर रन कर सकता है यूजिंग वर्ड कंपनी। अगर आप वर्ड प्रेस की सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं किसी भी फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म पे या डायरेक्टली विद क्लाइंट्स, क्लाइंट प्रेस इज द राइट चॉइस फॉर यू उसके अलावा आप अपनी एक सर्विस वेबसाइट बना सकते हैं दिस इज अबसाइट थ्रू विच पीपल विल कम एंड क्लाइंट्स विल गिव यू वर्क अगर आप अपनी एक सर्विसेज वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं फ्री लांसिंग पे देन वर्ड प्रेस इज द राइट चॉइस फॉर यू एंड वर्ड प्रेस विल मेक यू सक्सेसफुल नंबर थ्री कैटेगरी इज अ स्मार्ट वर्कर स्मार्ट वर्कर कौन होता है आजकल के जमाने में स्मार्ट वर्कर इज एनी अ जॉब बट इज यूजिंग ऑनलाइन टूल्स एंड सर्विसेज इन अ स्मार्ट वे टू चेंज देअर लाइफ इसी तरह अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप वर्ड को यूज कर सकते हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए एंड वी विल गिव यू अ फ्यू एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज वर्ड प्रेस टू शेयर कॉन्टेंट अगर आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं जिधर आप अपनी कॉन्टेंट और अपनी एडवाइस को शेयर करते हैं दुनिया के साथ देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मेक योर मार्क इन द डिजिटल वर्ल्ड एक और एग्जाम्पल आप अपनी नॉलेज एक्सपर्टीज शेयर कर सकते हैं आजकल इंटरनेट का दौर है हर किसी को अपनी एडवाइस अपना नॉलेज और अपनी इंटेलेक्ट शेयर करने का शौक है ज़्यादातर लोग इस शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं फेसबुक एंड ट्विटर बट वी रिकमेंड दैट यू यूज़ वर्ड प्रेस बिकॉज वर्ड प्रेस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू राइट लॉन्ग कॉन्टेंट जो कि ना सिर्फ आपके सोशल मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर होगा बट इट विल बी शेयर विद द वर्ल्ड िटीज उसके अलावा यू कैन यूज वर्ल्ड प्रेस टू शेयर थॉट लीडरशिप अगर कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने उसके बारे में कुछ डिटेल में बताना चाहते हैं यू कैन यूज वर्ड प्रेस फॉर दैट वाई आई लव द स्मार्ट वर्कर्स कैटेगरी बिकॉज इट्स नॉट अबाउट फ्री लांस एंड ऑनटरपिन एनी मोर इट्स अबाउट पीपल हु थिंक स्मार्ट इट्स अबाउट पीपल हु वर्क स्मार्ट

ट्रेंड यूएस में और बाहर के ममालिक में तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है बट वी वॉन्ट के पाकिस्तान में भी स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करें और अपनी लर्निंग्स को एक वर्ल्ड प्रेस ब्लॉग या वेबसाइट पर शेयर करें Another ऑपरचुनिटी डेट यू हैव इज ए डिजिटल सीवी सीवी के बारे में तो आपने सुना होगा बट डिजिटल सीवी क्या है डिजिटल सीवी इज एन ऑनलाइन सीवी एक ऐसी सीवी जिससे आप अपने फ्यूचर एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं कि आपने क्या काम किया हुआ है इसी तरह वर्ल्ड प्रेस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टूडेंट टू शो केस देयर पोर्टफोलियो अगर आपने कोई भी काम किया हुआ है कोई भी असाइनमेंट की है यूनिवर्सिटी टाइम पे एक वेबसाइट बनाएं और उसको दुनिया के साथ शेयर करें अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं इफ़ यू रन अ स्मॉल बिजनेस विच कुड बी इन फॉर्म ऑफ अ कैफे और अ वेबसाइट आप उसको अपनी एक वर्ड की साइट बना के शेयर कर सकते हैं सो वर्ड प्रेस इज ग्रेट फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स वर्ड प्रेस इज ऑल्सो अमेजिंग फॉर मैनेजिंग क्लाइंट्स अगर आप अपने ही एक सिस्टम uh, uh, एक ऐसा बनाना चाहते हैं वेबसाइट में जिसमें आप क्लाइंट को इनवॉइसिंग कर सकें यू कैन डू दैट विद वर्ड प्रेस यू डू नॉट नीड टू स्पेंड मनी ऑन एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर अगर आप एक बड़ी कॉर्पोरेशन है यू कैन यूज वर्ड प्रेस फॉर एन इंटरनल न्यूज Uh, इसके लिए कुछ प्लग भी अवेलेबल हैं इसी तरह कुछ हम आपको आगे भी एग्जाम्पल्स देंगे यू कैन यूज वर्ल्ड प्रेस फॉर एक्सटर्नल न्यूज एज वेल अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं यू कैन वर्ड यूज वर्ड प्रेस फॉर लीड जनरेशन और यू कैन यूज वर्ल्ड प्रेस एज ए लैंडिंग पेज अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपको न्यूज और एक्साइटिंग अपडेट शेयर करने का बहुत शौक है मीडिया की तो आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं एज एन इंफ्लुएंसर एंड यू कैन शेयर योर इंफ्लुएंसर मार्केटिंग अपडेट्स यू कैन शेयर योर कॉन्टेंट मार्केटिंग अपडेटिंग वर्ल्ड प्रेस अगर आप एक न्यूज पब्लिशर हैं तो यू कैन लॉन्च योर वेबसाइट इन जस्ट वन आर जो कि हम आपको आगे सिखाएंगे भी एंड शेयर लेटेस्ट न्यूज एंड यूज इट एज अटेंट रिपोजिटरी। और अगर आप एक ऑनलाइन प्रोफेशनल है यू कैन यूज वर्ल्ड प्रेस फॉर ऑनलाइन वर्क फॉर टास्क मैनेजमेंट एंड फॉर टीम मैनेजमेंट तो हमने इस पूरे मॉड्यूल में यह सीखा कि वर्ल्ड प्रेस इज द अल्टीमेट टूल एंड हुर दीपल Who should be using WordPress?